मैं मलीसा और ये है मेरी कहानी। यार बॉर्डन ने मुझे बीमार कर दिया है, पूरा दिन रात काम करवा रहा है। अरे वो बाहर आ रहा है, अरे वो बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। मिस्टर मार्कस, क्या आप इस फैसले से खुश हैं? मुझे बहुत खुशी है कि न्याय हुआ है और मुझे बहुत राहत मिली है कि आज सच्चाई की जीत हुई है। मिसेस पाया के आरोपों के बारे में आपका क्या विचार है? कुछ बोलिए, आप कुछ बताएंगे? बकवास है, सब बकवास है। पागल हो क्या? ये सब रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? अरे बंद करो यार। अरे छोड़ उसे, वो अपने स्मार्टफोन के साथ है, उसे समझ में आना चाहिए एक नंबर का चूतिया है सब। शिट, उसने उसका पूरा चेहरा काट लिया है, क्या फालतू गिरी है। अरे छोड़ ना, वो देख दूसरी बार आ गई। क्या
वो दोनों ने पहले ही काट लिया है उसे, पागल। पता नहीं यार, ये फिल्में मुझे समझ में नहीं आती। उन्होंने उसे काटा और वो वैम्पायर बन गई, और वैम्पायर बनने के बाद उसके शरीर का कोई भी हिस्सा जो फट जाता है वो फिर से उत्पन्न हो जाता है। उसके कान और पता नहीं क्या क्या बकवास। ये क्या चल रहा है बर? क्या अब तुम भी इन वैम्पायर्स की वकालत कर रहे हो? हाँ चल देखते, वैसे भी भूत भीत तो होते नहीं कभी, वैसे ही वैम्पायर्स के करीबी रिश्तेदार तो वकील ही होते हैं। वे एक नंबर के हरामजादे हैं। ए, वैसे ही हरामियों को तेरी वकालत करनी। बिल्कुल सही है। वैसे पिक्चर सही है। कौन सी? अश्लील, अश्लील पिक्चर है, और कौन सी हो सकती है? अरे यार मैं मजाक कर रहा था। कैरोलाइन मनरो, क्या माल है यार, काम क्या है इसके साथ? क्या तू ये वाला? हाँ यार, कोर्ट गया था इसके साथ, इसके जमीन जायदाद का कोई मामला था। अच्छा, याद नहीं क्या हुआ? पता नहीं, काश ऐसा होता। हाँ काश। वो स्पाई हु लव्ड मी में बॉन्ड गर्ल थी, पता होगा तुम्हें। अरे हाँ वो फिल्म, सही है। अरे वो देख, वो तेरी एक्स गर्लफ्रेंड ओल्गा जैसी लग रही है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वो वैम्पायर नहीं है, पता है आपको, वो कमीनी है। हे आराम से आराम से, इतना जहरीला मत बने। अगर तू चाहता है तो उसे कोर्ट लेके जा और उसे खत्म कर दे। नहीं ऐसा नहीं है यार, पता नहीं मुझे इन औरतों को क्या हो जाता है। तू कमीना है यार। ओ रॉड्री को देख, उसकी ना कोई गर्लफ्रेंड है ना उसे कोई परवाह है, मजे ऐसा है लेके। पसंद है तो भुगतान भी कर। क्या क्या बोला? ये आदमी को भी बाहर लेके जाते, पार्टी करते, ढूंढते कोई इसके लिए, इसकी भी गर्मी निकालते है ना। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए तुझे? तू मेरे साथ मजे कर और दारू पी। क्या गे ले? है? और कितना ले, ले दारू? दारू पी, चल चल। ठीक है भाई, चीयर्स। चीयर्स। इसको देख, इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है और ये साला मजे लेके सो रहा है यहाँ पे। अरे आदमी क्या कर रहा है? ये आदमी पीछा कर रहा है क्या? अरे कर क्या रही है, पागल हो गया क्या ये आदमी? अरे सन के गए के पक्का ठोकेगा अपने को। अबे मरवाएगा क्या मैं? अबे माधवचंद, ah
40% जांच हो चुकी है, 65 और सीटें। इस समय सबसे ज्यादा वोट लेने वाले तुम हो और मुकदमे से तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, समझे? क्या सच में? हाँ बिल्कुल, तुम शांत रहो और किसी चीज की चिंता मत। तुम जानते भी हो क्या? इसका मतलब क्या है? 4 साल हो गए इसे।
रुको रुको रुको, कौन हो तुम? क्या क्या चाहती हो तुम? हम सुलह कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, अगर ये कुत्ते की वजह से है तो वो एक दुर्घटना थी। तुम कौन हो? गन नीचे रखो, अपनी बंदूक नीचे करो, बंदूक नीचे करो, जमीन पे बैठो कमीनी, घुटने के बल बैठो, तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा मैं। क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्या चाहती हो बोलो, जवाब दो वरना मैं अभी तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। बोलो कौन हो तुम? शांत हो जाओ, तुम घायल हो, तुम मर रहे हो, तुम यहीं मर जाओगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ठीक कर दूं। मुझे एक एम्बुलेंस बुलाओ या पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बोलो कि ये औरत मुझे जान से मार देगी। शांत हो जाओ, घर चलते हैं। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? एम्बुलेंस को बुलाओ। मेरे पास फोन नहीं है। क्या? माफ करो, मैं यहाँ शिकार कर रही हूँ, अगर मुझे कोई यहाँ फोन किया तो मेरा शिकार भाग सकता है। और वो, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, और उसने मेरे दोस्तों को भी मार डाला है। और ये, इसका क्या होगा? पता नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये पागल औरत मुझसे चाहती क्या है। तुम अब आगे क्या करने वाले हो? क्या तुम इसे मार दोगे? आरोप कई चीजों के साथ जाएगा, वैसे ही कई हैं, वैसे भी उनके हित में है, संघ का भी काफी समर्थन मिला उन्हें। तो हमें क्या करना है? हम क्या करें? देखते हैं। तुम्हें हर चीज से मुकरना होगा, याद रखो तुम एक नेता हो, कोई भी बहाना तुम्हें बदनाम करने के लिए काफी है, तुम्हें दोष देने के लिए, तुम्हें बस हर चीज से मुकरना है। यह हमेशा हमारे पक्ष में होगा, कानून के खिलाफ इनकार झूठी गवाही नहीं है। देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। तुम बस कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं समझते, तुम बस सोचना बंद करो और कुछ नहीं, बाकी सब मैं देख लूंगा। अंदर आ जाओ, तुम यही रुको। ये
कि तुम अभी के अभी पुलिस को फोन करो, अभी के अभी। शांत हो जाओ, वो आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तुम्हें ठीक कर देती हूँ। बहुत सारा खून बह चुका है तुम्हारा। तुम अपनी बंदूक नीचे रखो। अब ये तुम्हें दर्द देगा। रुको, यहाँ बैठो आराम से, मैं एंटीबायोटिक्स और कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, और तुम्हारे लिए फोन भी। एक मिनट, मैं अब तक तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। मारिया। मैं कार्लोस। सबूत छुपाने के लिए और अनुचित रिश्वतखोरी के दो अपराध, आप खुद को कैसे घोषित करते हैं? निर्दोष, योर ऑनर। ये रहे सारे सेल फोन्स, मैं इन्हें इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन ये तो चल नहीं रहे। ये प्लग वहां लगा दो। हाँ तो मुझे मुझे तुम्हारा घाव भरना है, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। उसे अंदर लॉक किया है, वो कहीं नहीं जा रही यहां से। अब तुम अपनी बंदूक नीचे रखोगे? शुक्रिया। Thank you.
क्या कर रहे हो? मैं इंजेक्शन दे रही हूं तुम्हें। क्या कर रही हो? ये क्या, ये क्या 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 कर रही हो? मैं तुम्हें कुरारे का इंजेक्शन दे रही हूं। कुरारे? क्या कुरारे? क्या होता है? हाँ, कुरारे। क्या क्या ये? ये चोट नहीं पहुंचाएगी। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। यह सरदार है, तुम्हें राहत मिलेगी। क्या करते हो? मैं काउंसलर हूँ। ओके, काउंसलर। काफी पेचीदा है ना? कभी कभी। हथकड़ी उतार, चल निकाल जल्दी। आराम से, आराम से। कोई है? आ,
रुक जा रुक जा। कोई है? हमें कार्लोस के पास वापस जाना चाहिए। भूल जा कार्लोस को। तो अब हम क्या करें? उसे यही छोड़ दें? साले तेरा प्रॉब्लम क्या है? कार्लोस वहां फंसा है और जिंदा है या मर गया वो भी पता नहीं हमें। ये मेरी परेशानी है। कार्लोस मर चुका है। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है। उसकी सांसें नहीं चल रही थी, मुझे पता है वो मर चुका है। हाँ ठीक है, मर गया वो। हाँ तो क्या खत्म फिर? हाँ हो गया। तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं मुझे भरोसा नहीं है। तो तू क्या डॉक्टर है? तुम डॉक्टर हो क्या? सीएसआई से तू है? एक बात कान खुल के सुन ले और ध्यान से। हाँ बोलो। मैंने चुना तुझे, मैं तुझे उठा के लाया 2 घंटे उस घने जंगल से। समझ आ भी रहा है तुझे? तो क्या तुम्हें शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया अदा तेरी गांड में डाल। अपना गंदा मुंह बंद करो। अरे मुंह बंद कर चूतिए, ऐसी चुप बैठ। हरामजादा कमी ना कहीं का। सुन मैं चाहता हूँ तू ध्यान दे यहाँ पर, समझा? कार्लोस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो बात पुरानी हो चुकी है, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम बॉस हो? हाँ मैं ही बॉस हूँ। हाँ हमेशा की तरह तुम ही तो बॉस हो। कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे हम। तुम पहले वो फोन ढूंढो, ठीक है? तू कोई भी फोन ढूंढ, लेकिन फोन लेके आ, समझा? क्या हुआ? अबे गांडू है क्या तुम्हें? जब कार्लोस ने गाड़ी से फोन गिराया था तब मैंने उठा लिया था, तब मुझे याद ही नहीं रहा। अबे इसकी तो बैटरी खत्म है। ये घटिया मजाक मत करो। बेवकूफ है तू साला, ये पहले निकाल लिया होता था ना साले। उसे मैं याद ही नहीं था। याद नहीं था मतलब? और कितनी चीजें याद रखनी तुझे? हाँ हाँ तू एक हरामजादा है। अंडा पकाना था क्या तुझे साला? बोलता है भूल गया? नहीं तो क्या शादी के लिए तैयार होना था तुझे या किसी फैशन शो में जाना था? हाथ मत लगा मुझे। तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? हमें बचाओ, हमें बचाओ, वो लोग मार देंगे हमें। फोन तुम्हारे पास? फोन है? हमारे दोस्त की मदद करनी है हमें, वो जंगल में पड़ा हुआ है। हमें किसी मदद की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। तुम अपनी हुकूमत चलाना बंद करो। तुझे पता है तू चूतिया है और वही रहेगा तू साले। साले कुत्ते कमीने हरामजादे। चल हट मादरचोद। बहुत बदनसीब हो तुम।
दोनों को बहुत काम करने। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी बात सुनो और मुझे समझने की कोशिश करो। जब महासंकट आया था तब हम यहां रहने आए थे, मेरे पति, मेरी बच्ची और मैं। थोड़े ही दिनों बाद मेरे पति चल बसे। मैं और मेरी बच्ची अकेले पड़ गए पूरी तरह। पूरा दिन जंगलों में रहने लगी वो। वो खुश थी जंगलों में। एक दिन वो घर आई और यहीं बेहोश हो गई। लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा उसे। अनीमिया हो गया था उसे। लगातार खून की जरूरत थी उसे। किसी को पता नहीं उसके साथ क्या हो गया। कमजोर हो गई थी, बाहर नहीं निकलना, रोशनी से डरने लगी। और फिर डॉक्टर ने कहा वो खूंखार हो गई है, उसे भयंकर बीमारी हो गई है और अब वो पागलखाने में है। पागलखाना एक छोटी सी लड़की के लिए? मेरी प्यारी बच्ची, देखो कार्लोस, अब तुम सब जानते हो ऐसे मामलों में खून की कीमत सोने से भी ज्यादा होती है, पैसे से ज्यादा। पैसों से आप खून खरीद सकते हैं, लेकिन जब खून ही नहीं रहा तो पैसा आपके लिए बेकार है। मुझसे क्या चाहती हो तुम? मैं तुमसे सवाल करूंगी और तुम सच बोलोगे। तुम्हारा क्या लेना देना है उस लड़की के साथ? नहीं, कुछ नहीं। मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता। तुम तो जानती हो जंगल में क्या हुआ था। उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया था। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुमसे सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को मारा है। खैर, कोई बात नहीं, वो मर चुकी है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा। अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकती। मैं तुमसे सच कह रहा हूं। तुम यहां ध्यान दो। मैं चाहती हूं कि तुम समझो कि यहां क्या हो रहा है। तुम क्या कर रही हो? मैं कह रहा हूं मैं नहीं जानता कुछ भी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरी बच्ची को तुम्हारी जरूरत है।
समझो इस बात को। खून, तुम्हें खून चाहिए, इसलिए तुमने मेरे दोस्त को मारा, इसलिए मैं यहां हूं, इसलिए। हो सकता है मेरा खून तुम्हारे किसी काम ना आए। मदद करो मेरी, मेरी बेटी को तुम्हारी खून की जरूरत है और तुम ही हो बस। हाँ तो हम अस्पताल जा सकते हैं, वो लोग खून अच्छे से ले लेंगे, उनको आता है ठीक से खून लेना। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरी बच्ची यही है। दत्त, मैं एक काउंसिलर हूं। अरे मारो मत, ध्यान दो यहां। भगवान के लिए, वो क्या चाहती हो तुम? हरसला मेरी बच्ची मर जाएगी, रोज खून की जरूरत है उसे, अब मेरे पास कोई चारा नहीं। तुम्हें ताकत देने के लिए मैं तुम्हें खिलाऊंगी। तुम ताकतवर रहोगे, तुम्हारा खून अच्छा रहेगा और तुम ज्यादा जियोगे। ये तुम पर निर्भर है। तुम बिल्कुल पागल हो रहा तो पागल हो रहा। पागल, मेरी लड़की को तुम्हारी खून की जरूरत है। किसी भी तरीके से मैं तुम्हारा खून लेकर रहूंगी। जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो, प्लीज। इसमें सिर्फ एक गोली है, इसको मार दो मेरे लिए। ऐसा क्या किया इन लोगों ने? नहीं 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 नहीं, मत मारना मुझे, प्लीज मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर पहले कभी कुछ किया हो तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं किसको नहीं बताऊंगा कि, और देखो मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें नौकरी चाहिए, मैं तुम्हें नौकरी दिला सकता हूँ सिटी हॉल में। क्या चाहती हो तुम? तुम वो मिटा सकती हो जो तुमने किया हरामजादे? मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। क्या मेरी बेटी की नादानी लौटा सकती हो तुम? अरे लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुमसे, मैंने कुछ नहीं किया। बता जल्दी, बता सब। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ओके ओके, मैंने किया है, किया है, अत्याचार किया। हाँ मैंने किया है, मैंने गलत किया उसके साथ, जो भी तुम कहो किया है। बच्ची ये क्या हाल बना लिया है? क्या तुमने रिजर्व से कुछ लिया है? नहीं, मैंने तुम्हें हजार बार कहा है कि मैं तुम्हें बना के दूंगी, वो जहरीला हो सकता है। अपने आप को देखो। सुनो, मुझे अब भी चाहिए। हमें ध्यान से करना होगा, तुम समझो हमारे पास ज्यादा बचा नहीं है। और उनका? उसका खून गंदा हो चुका है, उसे अब मर जाना चाहिए। मेरा
मेरा पेट जल रहा है माँ, मेरी मदद करो। मेरी बच्ची थोड़ा इंतजार करो, मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। मम्मा सच में ये बहुत दुख रहा है। हाँ मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, ये बहुत दर्द देता होगा तुम्हें, समझो इस बात को। एक 50 साल की महिला की लाश मिली है और पुलिस को शक है कि इसी महिला ने उन हाइकर्स को भी जान से मार दिया है जो इस क्षेत्र में घूम रहे थे, और पुलिस को यह भी शक है कि उसी महिला ने कम से कम एक दर्जन लोगों की हत्या की है अपनी बेटी सहित। मैंने अपने अनुभव में ऐसी घटना होते हुए कभी नहीं देखी। हाँ रेमन, ये एक लाजवाब कहानी है। शरीर के कुछ टुकड़े मिले हैं और दर्जनों लोग तहखाने में छुपे हुए हैं। जैसा कि आपने कहा था, उन्होंने अपनी बेटी को भी मार दिया है। जो बगीचे में दिखाई दिए हैं, उन दोनों लाशों की भी पहचान नहीं हो पाई है। जैसा कि हमने कहा, ऐसा लगता है कि मामला बैंक का पाया से जुड़ा हुआ है। वह सैन फर्नांडो क्लिनिकल अस्पताल में नर्स है, जिनसे हम मिले थे जब उन्होंने पीडोफेलिया के गंभीर मामले का खुलासा किया था। पीडोफेलिया जिसने उनकी बेटी लीडिया को प्रभावित किया है। अफवाहें कहती है कि पीड़ितों में से कई हो सकते हैं। तथा कथित केस ऑफ द कैंडल्स का आरोपी सितिजा नगर परिषद के सांसद जो थे बरी कर दिए गए हैं, और उनके संबंधी हमें जो सूचना देते हैं उसके अनुसार उनसे कई दिनों से कोई समाचार मिला नहीं। हाँ इवा, ब्लैंका पाया की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था। नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार के विरोध, 1.5 साल के दौरान केस ऑफ द कैंडल 2 मिलियन हस्ताक्षर तक पहुंचा। यौन अपराधों के खिलाफ कानून बदलने के लिए आज SOS हेल्प माइनर संस्था उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। नागरिक योगदा का पदक ससिज्जा परिषद के अनुरोध पर इजराइल गए लोगों के याद में